गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी आपका जो करंट अफेयर आज का जो होगा वो होगा आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड और ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये फाइंड किया है कि जो अर्थ जो है पिछले महीने जो अर्थ है अपनी नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे रोटेट किया है। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी उसी के बारे में होगी, और हम अपनी क्लास के साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो चैंडलर वॉबल इफेक्ट है ये क्या चीज़ है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ जो है आपको पता है कि ये अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व घूमता है। ठीक है, तो रोटेट करता है ये अपने एक्सिस के अराउंड। तो जो ये सन के अराउंड चक्कर लगाता है उसको कहते हैं रेवोल्यूशन, और जो अपने एक्सिस के अराउंड जो ये रोटेट करते हैं उसको कहते हैं रोटेशन। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए आपसे। जनरली जो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सन के अराउंड ये रिवॉल्व करता है और अपने एक्सिस के अराउंड ये रोटेट करता है। तो ये हम इसको मान के चलते हैं कि 24 आवर्स के अंदर ये रोटेट करता है, मतलब एक दिन 24 घंटे का होता है। तो जब ये पूरी अपनी रोटेशन जो है कंप्लीट कर लेता है तो उसको कहते हैं 24 आवर्स में ये कंप्लीट कर लेता है, और उसको कहते हैं रोटेशन। ठीक है, ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, अपने एक्सिस के अराउंड। और अगर इसको प्रिसाइज देखा जाए तो ये एग्जैक्ट ये फिगर आती है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09053 सेकेंड्स। ठीक है, ये उसकी एग्जैक्ट फिगर है, लेकिन हम जो है इसको 24 आवर्स जो है वो मान के चलते हैं। ठीक है, और ये जो बाद में ये 4 4 मिनट जो है आपके 4 साल बाद जाके एक दिन टोटल बन जाता है। तो इसी वजह से हम हर साल जो है लीप ईयर मनाते हर 4 साल बाद जो है लीप ईयर मनाते हैं, और उसमें जो है एक दिन एक्स्ट्रा जो है वो ऐड कर दिया जाता है। वो जो एक्स्ट्रा दिन ऐड होता है वो यहीं से होता है, यहीं से ये जो 4 4 मिनट हर दिन के जो बच रहे हैं ना आपसे, तो इनके जब 4 साल बाद इसके जो है 24 घंटे जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं एक एक्स्ट्रा दिन जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लीप ईयर बन जाता है। लेकिन हुआ क्या है कि अभी तक तो ये जो था ये इतनी स्पीड से रोटेट कर रहा था अर्थ, 24 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09053 सेकेंड के टाइम ड्यूरेशन से ये जो है अपनी जो रोटेशन है ये कंप्लीट कर रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ है, इसने जो है अपनी स्पीड जो इसने थोड़ी सी फास्ट की है, वो देखेंगे कि कौन से दिन को की थी। एक्चुअली इसने 29th of July को जो है अपनी स्पीड जो है वो थोड़ी सी फास्ट कर ली। थोड़ी कितनी, 1.59 मिली सेकेंड। ठीक है, तो इसने जो थी अपनी रोटेशन 1.59 मिली सेकेंड जो है पहली कंप्लीट कर ली। ठीक है, जिस वजह से क्या कहा जा रहा है कि अर्थ जो है उसकी जो रोटेशन है वो फास्ट हो गई है। और अब ये देखना है कि ये किस तरीके से मतलब ये क्या हमारे लिए, क्या ये डेंजरस हो सकता है, या इसके जो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हो सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले न्यूज़ क्या थी। ऑन 29 जुलाई 2022 अर्थ रिकॉर्डेड द शॉर्टेस्ट डे। ठीक है, अर्थ ने अपना शॉर्टेस्ट डे रिकॉर्ड किया, दस एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट दैट इट इज स्पिनिंग फास्टर देन यूजुअल स्पीड। अपनी यूजुअल स्पीड से ये फास्ट जो है स्पिन कर रहा है। उसने क्या किया उस दिन 29 जुलाई को, उसने क्या किया 1.59 मिली सेकेंड पहले ही उसने जो है अपनी रोटेशन जो है कंप्लीट कर ली थी। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द अर्थ हैज क्विकेंड इन स्पेस। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी कुछ इंसिडेंसेस हो चुके हैं। तो वो अभी देखते हैं कि कब कब इसने जो है जो अपनी स्पीड जो है अपने नॉर्मल पेस से ज्यादा जल्दी जो है अपनी रोटेशन जो है वो कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ था जुलाई 19, 2020 को। उस दिन क्या हुआ था कि अर्थ ने 1.47 मिलीसेकंड जो है पहले जो है अपनी जो 24 घंटे की जो रोटेशन थी, या फिर जो अपनी पूरी रोटेशन थी उसको 1.47 मिलीसेकंड जो है वो पहले कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसकी क्या फैक्टर्स हैं जो अर्थ की रोटेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कि मतलब अर्थ की जो रोटेशन है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले ये डिपेंड करती है इसके इनर इनर कोर और मेंटल पे। ठीक है, अर्थ का हमें पता है कि इसके तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले ऊपर क्रस्ट आता है, देन आपका मेंटल आता है, और बिल्कुल अंदर कोर आता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो इनर और जो आउटर लेयर्स हैं कोर और मेंटल की, उसकी वजह से मतलब साइंटिस्ट जो है उन्होंने ये वो लगा रहे हैं कि
वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्हीं रीजंस की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो एक सबसे पहला रीजन वो देते हैं कोर और मेंटल का, दूसरा रीजन देते हैं वो ओशन एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हमारा जो अर्थ है उस पर जो है मोर देन 70% जो है ओशन से ढका हुआ है, और ओशंस और उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे उसकी सैलिनिटी हो गई या उसका टेम्परेचर हो गया, उसकी वजह से भी अर्थ की रोटेशन पर फर्क पड़ता है। उसके अलावा अर्थक्वेक्स हो गए, सुनामीज हो गई, वॉल्केनोज हो गए, लार्ज एयर मासेज हो गए, इसके पीछे भी इसकी वजह से भी जो अर्थ की रोटेशन है उस पर ये जो फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा आपका आ गया क्लाइमेट चेंज। हम आगे जाके देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से जो है अर्थ की रोटेशन पे अफेक्ट डालता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो रोटेशन है ये चेंज क्यों हो रही है, मतलब क्या क्या रीजंस हैं इसके लिए। तो जो साइंटिस्ट रीजन देते हैं फिलहाल उन्होंने ये बोला है कि अभी कोई भी जो कंक्लूसिव उसकी एक्सप्लेनेशन है या कोई प्रूफ है एट द मोमेंट ये डिसाइफर नहीं कर पा रहा कि अर्थ जो है अपनी नॉर्मल स्पीड से फास्ट जो है क्यों रोटेट कर रहा है। लेकिन उन्होंने जो है मल्टीपल थ्योरीज दी हैं। कौन कौन सी थ्योरी दी है, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका अर्थ है वो पूरी तरीके से स्फीयर शेप में नहीं है, ठीक है, वो ना जॉयड शेप का है। जॉयड शेप इस तरीके की होती है, मतलब ये देखो स्फीयर होता है पूरा गोल ऐसे, इसको स्फीयर कहते हैं, और ये होती है आपकी जॉइंट शेप, ठीक है। तो ये पोल्स के पास से जो है अगर पोल टू पोल देखा जाए तो इसका जो डायमीटर है वो कम है, अगर इक्वेटर पे देखा जाए तो इसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है, ठीक है, मतलब इक्वेटर के पास से ये ज्यादा चौड़ाई में है और ऊपर से ये जो है चपटा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं जॉइंट शेप। तो हुआ वो कह रहा है कि हमारा जो अर्थ है वो जॉइंट शेप में है, ठीक है, और अर्थ जो है रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। तो जो साइंटिस्ट है उनका कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका जो वेट है पोल्स के अराउंड वो डिक्रीज हो रहा है, पोल्स के अराउंड जो वेट डिक्रीज हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका एक्सिस है वो जो है वो शिफ्ट हो रहा है, और एक्सिस शिफ्ट होने की वजह से ये जो है इसकी जो स्पीड है वो भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो पहली थ्योरी तो है क्लाइमेट चेंज को लेके कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है। दूसरी थ्योरी ये है कि मूवमेंट ऑफ मोल्टन कोर, जो आपका कोर है क्योंकि आपको पता है कि वो मोल्टन फॉर्म में है, तो उसका जो है उसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से भी ये जो है क्या कहते हैं आपका जो अर्थ है वो नॉर्मल स्पीड से फास्टर स्पीड में रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो एक एक जो पॉसिबिलिटी है वो जो साइंटिस्ट है वो ये पॉसिबिलिटी दे रहे हैं। उसके अलावा कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो सिस्मिक एक्टिविटी है जो ये भी उसी की वजह से होती है आपके कोर और मेंटल की वजह से, तो वहां पे जो सिस्मिक एक्टिविटी चलती रहती है तो उसकी वजह से भी जो है ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि जो अर्थ है वो फास्टर स्पीड पे रोटेट कर रहा है। लेकिन कुछ जो साइंटिस्ट है उनका जो मानना है कि ये जो चैंडलर वॉबल जो इफेक्ट है इसकी वजह से जो है अर्थ जो है फास्टर स्पीड पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो आगे जाके देखते हैं हम चैंडलर वॉबल इफेक्ट क्या, और जो अब तक की जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो बताई जा रही है ना वो चैंडलर वॉबल वाली ही बताई जा रही है कि इसी वजह से जो है अर्थ की जो स्पीड है वो फास्ट हो गई है। अब देखते हैं चैंडलर वॉबल इफेक्ट के बारे में। अकॉर्डिंग टू नासा चैंडलर वॉबल इज अ मोशन एग्जिबिट बाय अर्थ एज इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो नासा कहता है कि चैंडलर वॉबल जो इफेक्ट है ये मोशन है ये एग्जिबिट किया जाता है अर्थ के द्वारा। असल में चैंडलर वॉबल जो इफेक्ट है ये हर उस बॉडी पे लगाया जा सकता है जो कि कंप्लीटली स्फेयर नहीं है, लेकिन स्फेयर ऑलमोस्ट ये स्फेयर फॉर्म में है, जैसे हमारा जो अर्थ है ये जियोइड है, कंप्लीटली स्फेयर नहीं है, तो इस पे जो है आपका चैंडलर वॉबल इफेक्ट लगता है। और हर वो बॉडी जो कंप्लीटली स्फेयर नहीं है लेकिन स्फेयर शेप में है और वो जो है फ्रीली रोटेट कर रही है उसके ऊपर जो है चैंडलर वॉबल इफेक्ट जो है ये लगाया जाता है, ठीक है। और ये इसको जो है इसको नेम किया गया था आफ्टर अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर सेथ कार्लो चैंडलर द्वारा, ठीक है, इनके नाम के ऊपर जो है ये चैंडलर वॉबल जो है इसका जो इफेक्ट का नाम है इनके नाम के ऊपर रखा गया था। तो साइंटिस्ट ने 2000 में डिस्कवर किया था कि ये जो प्रिंसिपल कॉज है चैंडलर वॉबल प्रिंसिपल कॉज ऑफ चैंडलर वॉबल इज फ्लक्चुएटिंग प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ओशन, ठीक है। ओशन के नीचे जो है आपको पता है प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन वो जो प्रेशर है वो फ्लक्चुएट हो रहा है जिस वजह से क्या हो रहा है, और ये फ्लक्चुएट जो प्रेशर जो आपका वो फ्लक्चुएट होने का रीजन क्या है कि एक तो जो उसका टेम्परेचर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं और दूसरा सैलिनिटी में चेंज आ रहा है, और जब जब जो है टेम्परेचर में चेंज आएगा तब तब जो है आपकी जो ओशियनिक सैलिनिटी है उसमें भी चेंज आता है, ठीक है। ये जो चीजें होती है ना ये आपको करवाई जाती है जब हम आपको करवाते हैं ना स्टैटिक पोर्शन करवाते हैं ज्योग्राफी का,
ओशनोग्राफी में, ये चीजें वहां पे करवाई जाती हैं, ठीक है। तो आप बस फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान में रखो कि जितना जो है आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही जो है आपकी सैलिनिटी बढ़ेगी। और टेम्परेचर बढ़ने का रीजन, मेन रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज है। और टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी वजह से जो प्रेशर और जो टेम्परेचर होते हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो इस वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसी वजह से, या टेम्परेचर में कोई भी चेंज आएगा तो उस वजह से क्या होगा, जो प्रेशर होगा उसमें भी फ्लक्चुएशन आएगी। तो इनका मानना है कि चैनल वॉबल जो है उसका जो प्रिंसिपल कॉज क्या है, कि फ्लक्चुएशन आ रही है बॉटम ऑफ द ओशन में, जो प्रेशर प्रेजेंट है, जो वहां पे बॉटम ऑफ द ओशन में जो प्रेजेंट है उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है वहां पे जो है ये जो है चैनल वॉबल इफेक्ट जो है वो कॉज हो रहा है। जो साइंटिस्ट है उनका कहना है कि जो 2/3 ऑफ द चैनल वॉबल है वो कॉज हो रहा है ओशन बॉटम प्रेशर की वजह से, लेकिन रिमेनिंग 1/3 ऑफ द फ्लक्चुएशन ये किस वजह से हो रही है, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो रही है। देखो दो तरीके का प्रेशर है, एक तो ओशियानिक प्रेशर है जो ओशन में है, ठीक है, जो ओशन जो प्रेशर जो है डाल रहा है, आपने जब बहुत डीप चले जाते हो ना तब आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज अगर डीप डीप ओशन में जाती है तो उसका जो प्रेशर है वो एकदम से बढ़ने लग जाता है, ठीक है। जितना डीप जाते जाओगे उतना जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। तो ये तो होता है आपका ओशियानिक प्रेशर, ठीक है। उसके अलावा एक होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, हमारे ऊपर जो है एटमोस्फेयर भी जो है वो प्रेशर डालता है, ठीक है। तो इनका जो मानना है कि ये जो जनरल वॉबल जो इफेक्ट हो रहा है उसमें जो 2/3 जो प्रेशर है वो कॉज हो रहा है आपका ओशियानिक ओशियानिक प्रेशर की वजह से, और 1/3 जो प्रेशर है वो कॉज हो रहा है आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से। अब देखते हैं कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो उसका जो है क्या हो सकता है उसके बारे में, मतलब अगर जो है ये जो इफेक्ट जो है अर्थ अपनी नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड पर रोटेट करता रहा तो उसके जो है क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। साइंटिस्ट आर येट टू फुली कॉम्प्रीहेंड द इफेक्ट दैट दिस माइन्यूट चेंज विल हैव व्हेन कंप्लाइड ओवर अ सेंचुरी, मतलब अभी तो ये जो है 1.57 मिलीसेकंड का जो है एक साल में ये चेंज शो कर रहा है, लेकिन इसका जो कंप्लीट जो मतलब क्या है इसका कंप्लीट इफेक्ट हो सकता है उसके लिए जो कंप्लीट डेटा है ओवर द सेंचुरी, मतलब ऑलमोस्ट 100-200 सालों तक का जो डेटा है वो कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है इसकी कंप्लीट कंपाइलेशन होगी कि अगर ये इसी स्पीड से रोटेट होता रहा और हर साल जो है 1.5 सेकंड का जो चेंज है उससे ज्यादा स्पीड पे ये चेंज करता रहा तो उसका जो है अर्थ पे क्या इफेक्ट हो सकता है। उसमें क्या होगा कि अगर ये जो है जो हमारी एटॉमिक क्लॉक्स हैं उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, वो किस तरीके के चेंजेस करने पड़ेंगे, या आपकी जो डिजिटल क्लॉक्स हैं उसमें किस तरीके के चेंजेस करने पड़ेंगे वो देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जब आपकी जो क्लॉक है, ठीक है, डिजिटल क्लॉक में आप देखते होंगे कि जब रात के ऑलमोस्ट 12 बजने वाले होते हैं, 11:59 जब हो जाते हैं, 11:59:59 सेकंड हो जाते हैं, तब जो आपकी क्लॉक होती है उसके नेक्स्ट सेकंड में क्या कर देती है, वो 00 शो कर देती है, ठीक है, मतलब आपका जो नेक्स्ट डे है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब अगर अर्थ अपनी रोटेशन पे अपनी नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड पे रोटेट करने लग गया तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें 1 सेकंड जो होगा वो ऐड करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसको कहते हैं नेगेटिव लीप, नेगेटिव लीप सेकंड, ठीक है। हमें जो है एक एक्स्ट्रा सेकंड जो है हमें अपनी क्लॉक्स में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे क्या होगा, मतलब साइंटिस्ट ने जो बोला है कि हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि हम 20 20 मतलब रात के 11 बजे 59 मिनट और 59 सेकंड के बाद हम जो है एक एक्स्ट्रा सेकंड जो है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब आपकी जो वॉच होगी अब यहां से डायरेक्ट यहां मूव नहीं करेगी, मतलब 00 पे मूव नहीं करेगी, हम वो क्या करेंगे, यहां से जो है वो 60th सेकंड जो है एक एक्स्ट्रा सेकंड जो है वो ऐड कर देंगे। लेकिन ये ऐड करना जो है इतना इजी नहीं होगा क्योंकि आपकी जितनी सारी जो सैटेलाइट्स वगैरह जो हैं वो सारी मतलब डिजिटल क्लॉक्स के ऊपर चलती हैं, ठीक है, टाइम के ऊपर चलती हैं, तो उन सभी में जो है आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, सभी में जो है अलग से सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे, ठीक है, और मे बी सभी में फिजिबल भी ना हो कि वो जो सॉफ्टवेयर जो है उसको इंस्टॉल किया जा सके उसमें, या ये जो मैकेनिज्म है उसको उसमें इंस्टॉल किया जा सके, ठीक है। तो ये जो है काफी मतलब ये जो चीजें आपके लिए साइंटिस्ट के लिए ये काफी बल्की हो सकती है, या फिर काफी मतलब इसमें बहुत ज्यादा जो है खर्चा आ सकता है, और मे बी उनको जो है बिल्कुल न्यू जो सैटेलाइट्स हैं वो सारी की सारी जो सैटेलाइट्स हैं बिल्कुल दोबारा से उनको लॉन्च करके अपने जो स्पेस है उसमें इंस्टॉल करना पड़े, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने किया अर्थ की रोटेशन के बारे में कि किस तरीके से जो अर्थ जो है अपनी नॉर्मल स्पीड से फास्टर स्पीड पे रोटेट कर रहा है। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिए जाएंगे, और हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी, थैंक यू सो मच।